दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने वाले भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिले भर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अयोध्या में होने वाले 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर करीब 20 वर्षों से ग्रामीण राम दरबार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन करीब 20 वर्षों बाद ग्रामीणों के लिए खुशी का पल आ गया जब अयोध्या के साथ खटरूपड़ी के राम दरबार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, जिसके लिए ग्रामीण जन बहुत उत्साहित हो रहे हैं। जिसको लेकर 19 जनवरी को गांव में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिससे पूरा गांव राममय के साथ भगवामय हो गया। शोभा यात्रा में समस्त ग्रामीणों के साथ करीब 151 बालिकाओं ने कलश यात्रा निकाली गई। इसी के साथ सेमलिया के पूजनीय कानूजी महाराज एवं पीपल खुट के पूजनीय महान श्री 1008 दयाराम दास महाराज उपस्थित रहे। शोभा यात्रा में राम दरबार की राम लक्ष्मण सीता माता लक्ष्मी माता हनुमान जी शिव जी प्रतिमाओं को नगर भ्रमण करवाया गया, जिसके बाद राम दरबार मंदिर पर सभी प्रतिमाओं को जलमय किया गया, जिनको 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन मंदिर में स्थापित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में हमने देखा है कि गांव का हर परिवार इसमें तन मन धन से जुड़ा है। जैसा कि हमारे बुजुर्ग बताते हैं, मंदिर 50 वर्ष पुराना है, जहाँ पे पहले राम दरबार पर हनुमान जी की मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन किसी कारण से वो खंडित हो गई। खंडित हुए 20 साल हो गए, तब से अस्तव्यस्त पड़ा था। क्योंकि शासकीय मंदिर है, वो आदरणीय कलेक्टर महोदय से भी गाँव वाले मिले और धर्मस्थ विभाग से भी मिले। यहाँ पे 18-20 लाख की सहायता शासन की तरफ से मिली, वो कितना ही सहयोग जनता द्वारा दिया गया, बहुत अच्छा दान दिया और कितना शासन दिया उससे डबल यहाँ पे परिवार जनों ने दिया। और इस मंदिर का काम बहुत दिन सीखते बारी बारी से, और आज ये हम पूरे गांव पे रामजी की असीम कृपा हुई और ये कार्य पूर्णता पाए। पूर्णता पाए नहीं किया जा सकता, कारण के अभी बहुत काम है, लेकिन हम वहाँ पे बैठ के आराधना कर सकते हैं ऐसा। तो दूसरा यहाँ पे जो हमारे जो रमेश भाई हैं जनपद प्रतिनिधि, इनकी तरफ से राम दरबार की मूर्ति उन्होंने खुद ने भेंट की है। हमारे यहाँ के सरपंच साहब हैं रमेश रामो साहब, उन्होंने भी अपना तन मन धन समर्पण किया, और इसके साथ ही पूरे पूरे गाँव वालों ने खुले दिल से सही। बहुत से लोग हैं, किसी का नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन जो हमारे जो मुखिया हैं उनका नाम मैंने लिया, और किसी प्रकार का उनका मोटिवेशन, इनके हर हफ्ते मीटिंग, बोली लगाना, बोली में भी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कार्यक्रम का जो फंडिंग जो भी इकट्ठा हुआ बोली के माध्यम से हुआ, उसके बाद में जो 24 जोड़े हुए उन्होंने भी हमको यहाँ 5,000 रुपये एक जोड़े के साथ, और जो बोली लगी वो भी कुल मिला के अच्छा सहयोग मिल गया। और ये हम सबकी कामना है और उम्मीद भी करते हैं किसी प्रकार की भावना हमारे गांव की बनी रहे और राम जी हमारे गांव पर इतनी कृपा बरसाए कि हमारे यहाँ के लोग सब सुखी और संपन्न रहे। बहुत 20 साल से करीब खंडर पड़ा था, तो गांव वालों ने मिलके दो तीन शिफ्ट में बना, तो पूरा सहयोग था और शासकीय भी सहयोग मिला इसका, तो ऐसे करके इसको अभी तक पूर्ण करा है और इसका कार्यक्रम अभी मूर्ति स्थापना का है। तो ये आज 19 तारीख को जुलूस निकला, मूर्तियाँ भी सारी अंदर रखी है, मूर्तियों को भी कराना है, अपने को भ्रमण सारे नगर का भ्रमण करवाना है, तो इस हिसाब से जुलूस निकला है। जोर शोर से लोगों ने भाग लिया, हवन भी होगा यहाँ पे, 3 दिन का हवन चलेगा, तो 21 जोड़े करीब उसमें रहते, उसके बाद ये फिर मूर्ति स्थापना 22 को होगी। शाम का मौसम है, राम दरबार शिव परिवार है, हनुमान जी का भी है और लक्ष्मी जी की भी मूर्ति है, तो ये सारी शाम प्रतिष्ठा एक ही दिन होगी। मेरा नाम